तो जैसे कि मेरे को लास्ट क्यू एंड ए वीडियो पे ये रिक्वेस्ट आया था कि भाई ऑफिशियल एपिसोड जो आता है उसे भी हिंदी में एक्सप्लेन करो। हालांकि मैंने बोला था कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो एक्सप्लेन करता है, बट सभी लोगों ने बोला है कि भाई मेरे को आपसे सुनना है, तो भाई सुनो। बट उससे पहले एक बात सुनो कि यहाँ पे एपिसोड में ये वाला एपिसोड नोबेल की सबसे दो एपिसोड होने वाला था, बट भाई इस लोगों ने मतलब स्टूडियो वालों ने एक एपिसोड बनाया तो बहुत क्विक है। आप लोगों ने 115 जो एपिसोड था, मतलब जो लास्ट एपिसोड था, वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि ये जो आइसरवर वैली और जवान की बीच जो फाइट चल रहा था वो खत्म हो चुका है, वहाँ पे यूनर आ जाती है और लास्ट में लिटिल फेरी डॉक्टर और यूनर की एकदम से मिलन हो जाती है। तो एपिसोड 116 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ये क्लैन की मेन और जो की हॉल होता है। तो यहाँ पे जवान और उसके साथ ही और यूनर और उसके साथ आए हुए दो एल्डर सभी लोग बैठ के चाय पी रहे होते हैं। एंड इस चाय का कुछ कलर नहीं है, सो मेरे पे शंका मत करना। जहाँ पे ये एल्डर ये जो होता है ये बोलता है, फिलहाल अभी के लिए तो फाइट खत्म हो चुका है, बट माफ करना मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आराम करने के लिए जुगाड़ कर दूंगा। इसके बाद जवान वहाँ पे एल्डर ये जो को शुक्रिया अदा करता है और ग्रेट करते हुए बोलता है कि ठीक है आप जा सकते हैं, हमें थोड़ा पर्सनली कुछ बात करना है। जिसके बाद वो एल्डर और जिनलेन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यूनर जैन से बोलती है, जवान काका आपका अगला प्लान क्या है? जैन कुछ सोचता है और कप को पकड़ के और भाई सोच विचार करते हुए बोलता है, मैं अपनी मास्टर को होल ऑफ सोल से बचाना चाहता हूँ। जिसे देखते हुए यूनर भी अपनी चाय की कप को पकड़ लेती है और बोलते हैं, जवान काका की मास्टर वो तो याओचेन है ना। और तभी भाई जवान यहाँ पे यूनर की बैकग्राउंड के बारे में सोचता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसको काफी सारी न्यूज के बारे में पहले ही पता चल जाता है। और यूनर के मुंह से जैसे याओचेन की बात सुनता है ये जो एल्डर होते हैं यूनर के साथ आए हुए, वो बोलता है, याओचेन क्या तुम सच में याओचेन का डिसाइपल हो? सच में मैं भी उनसे एल्केमी का नॉलेज चाहता हूँ। जिसे सुनते हुए वो जो दूसरा एल्डर होता है वो बोलता है, इस द्वीकी कंटिनेंट में बहुत ही कम लोग है जो याओचेन की बराबरी कर सके, वैसे हम दोनों ने उसे कई बार मिला है, हमने कभी सोचा नहीं था कि वो होल ऑफ सोल के यहाँ तो फंस जाएगा। जिसके बाद यूनर यहाँ पे सोचती है और बोलता है, जवान काका तुम अभी के जो पावर है तुम्हारा उससे तुम गलती से भी होल ऑफ सोल मत जाना, यहाँ तक कि ये जो दाऊ जुन दो है इनकी अगर हेल्प मिल जाए फिर भी होल ऑफ सोल मत जाना। होल ऑफ सोल से तुम मास्टर यालो को तो छोड़ो, उनकी कुछ मेडिसिन लाना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम प्लीज ज्यादा इम्प्लोसिव मत हो जाना। जिसके बाद जवान बोलता है, चिंता मत करो मैं इतनी जल्दी होल ऑफ सोल के ऊपर कदम नहीं उठाऊंगा। जिसके बाद फिर से यूनर जवान की तरफ घूमती और बोलता है, मतलब जवान से पूछने लगती है, जवान क्या तुम्हें अंकल जाओ के बारे में कुछ पता चला? जिसके बाद जवान यहाँ पे अपने पापा के बारे में सोच के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जवान यहाँ पे अपने पापा के साथ बिताए हुए कुछ पल को याद करने लगता है। जिसके बाद जवान अपनी चाय कप को गुस्से से पकड़ते हुए बोलता है कि जब से मेरे पापा गायब हुए हैं उस टाइम तक, मतलब उस टाइम से लेकर अभी तक से पापा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद यहाँ पे यूनर भी थोड़ा थोड़ा इमोशनल हो जाती है। यूनर यहाँ पे बोलती है, जवान तुम चिंता मत करो, मैं जैसे ही गोकुलन लौट के जाऊंगी वहाँ से मैं अपनी गोकुलन से पता करने की कोशिश करूंगी कि अंकल जाओ अभी के लिए कहाँ है, और अगर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। जिसके बाद जवान यहाँ पे पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि भले ही मैं अभी के लिए मास्टर यालो को बचाने की फिराक में हूँ, बट मैं अभी भी अपने पापा को ही ढूंढ रहा हूँ। जिसके बाद जवान यहाँ पे इमोशनल हो जाता है और सोचने लगता है कि भले ही मैं अभी मास्टर को बचा लूंगा, बट मेरे पापा को बचाने के लिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ के ऊपर खड़ा था, जिसके सामने एक मैजिकल बीच पे एक बंदा आता है। एंड आप सभी को बता दूं कि ये गोकुलन का व्यू है और ये बंदा और कोई नहीं, ये यूनर का बॉडीगार्ड लिंकवन है, मेरी मतलब है गोकुलन की सेनापति। जिसके बाद वो बंदा आके इसे ग्रीट करता है, मतलब लिंकवन को ग्रीट करता है और बोलता है, आपको एल्डर लोगों ने यूनर को लाने के लिए बोला है। जिसे सुनकर लिंकवन यहाँ पे हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या प्रिंसेस गोकुलन में नहीं है? खैर वो जहाँ गई होगी वहाँ पे वो जाओकुलन का कचड़ा भी होगा। जिसके बाद वो बोलता है, जाने की तैयारी करे। बस लिंकवन यहाँ पे गुस्से से एक पत्ते को पकड़ लेता है और बोलता है, इस बार तो मैं उस कचड़े को साफ ही कर दूंगा। यहाँ पे कचड़ा और किसी को नहीं, भाई जवान को बोल रहा है और बोलता है, मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था कि प्रिंसेस से दूर रहो, पर लगता है तुम भूल चुके हो कि मैंने क्या बोला था। इसके बाद वो यहाँ से गुस्से से चला जाता है। बस सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से जवान को दिखाया जाता है जो कि अपने फाइट के, मतलब फाइट में जितना भी उसका द्विकी खर्च हुआ था वो रिकवर कर रहा था। अभी जवान को कुछ महसूस होता है तो बोलता है कि अगर तुम यहाँ ही हो तो छुपने की जरूरत ही क्या है, और भाई ये यूनर की एंट्री स्टाइल ही क्या है देखना एकदम से, ना भाई इसको दाउजोंग बना के रखा है ना दाउजुन बना के रखा है, भाई दिमाग का दही कर चुका है। तभी यूनर वहाँ पे आ जाती है और बोलती है, अरे जवान तुम अभी भी आराम नहीं कर रहे हो। इसके बाद यूनर यहाँ पे बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी चीज देना है, और वो अपने हाथ में एक स्क्रॉल आती है। इसके बाद बोलती है, ये गॉड सेल की थर्ड सील है, क्योंकि तुम्हारी अभी की पावर के हिसाब से दिखा जाए तो तुम ये आसानी से कर लोगे। इसके बाद जवान यहाँ पे फिर से इमोशनल हो जाता है और भाई सीरियसली बताओ ना भाई, ये एपिसोड ना कुछ इमोशनल भी था यहाँ पे, भले ही भाई यहाँ पे रोमांटिक सीन नहीं दिखाया गया है बट भाई यहाँ पे कुछ ऐसा इमोशनल सीन भी था वो भी कट कर दिया। जिसके बाद यूनर फिर से बोलती है, जिसके बाद यूनर यहाँ पे फिर से बोलती है कि जवान तुम यहाँ पे मना मत करना ये लेने से, क्योंकि ये जो शेल्टर प्लेन है ये काफी ज्यादा पावरफुल लोगों से भरी पड़ी है और मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी कि तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, और अगर तुम्हारे पास ये रहेगी तो तुम इसे ट्राम कार्ड की तरह यूज कर सकते हो। जिसके बाद भाई बंदा पिघल जाता है और बोलता है थैंक यू यूनर। जिसके बाद जवान यहाँ पे ये स्क्रॉल ले लेता है और अपनी रिंग पे घुसा देता है। ऐसे ही भाई मैं तो यहाँ पे सीन्स को वेट ही कर रहा था कब होगा वो, तभी दिखा भाई यूनर यहाँ पे अपने रूम के अंदर एक रूम का सीक्रेट लेयर चढ़ा रहा है ताकि बाद भी मतलब आवाज बाहर तक ना जाए। मेरे को लगा भाई लिटरली भाई मेरे को लगा कुछ होगा। जिसके बाद भाई ये लोग एंशियन जेट के बारे में बात करने लग गए। जिसके बाद यूनर यहाँ पे एंशियन जेट के बारे में जवान से पूछने लगता है, तो जवान बताता है कि वो एंशियन जेट मैंने एकदम सीक्रेटली रखा है, मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हो उन लोगों को भी मैंने इसके बारे में नहीं बताया। जिसके बाद जवान यहाँ पे यूनर से एंशियन जेट के बारे में पूछने लगता है कि क्या बाकी के बचे हुए एंशियन क्लैन भी इसे
पाना चाहते हैं और क्यों। इसके बाद यूनर यहाँ पे बताते हैं कि एंशियन टाइम से बहुत ही कम लोग हैं जो डूडी में पहुंच पाते। यूनर यहाँ पे जवान को समझाता है कि यहाँ पे जो लास्ट डूडी बना था उन्होंने अपने पीछे एक एंशियन मेंशन को छोड़ के गया था जिसका की ये एंशियन जेड है जिसका अभी के लिए 7 पार्ट हो चुका है। इसके बाद जवान बोलता है तो इसका मतलब क्या यही है कि होल ऑफ सोल और बाकी जो एंशियन क्लैन है वो यहाँ पे एंटर करना चाहता है जिसके लिए ये उन लोगों को चाहिए। तो इसका मतलब मेरे पापा को होल ऑफ सोल ने इसलिए कैद किया है कि उन लोगों को ये 2C एंशियन जेड का पीस चाहिए। जिसके बाद यूनर हमें सीरियला देती है और उसके बाद वो जाओ क्लैन के बारे में बोलना स्टार्ट करती है जिसे जैन को पता चलता है। मतलब इनर यहाँ पे बोलती है कि जाओ क्लैन जो कि एक टाइम पे इसका पावर ऐसा था कि ये दुखी कंटिनेंट में वो एकदम से टॉप पे आता था जिस टाइम में जाओ क्लैन का जो एंसेस्टर है वो एकदम मतलब वो काफी ज्यादा पावरफुल थे और अभी देखो कुछ ही 150 सालों में ही ये एकदम से लोएस्ट क्लैन बन चुका है। और साथ ही साथ इनर यहाँ पे बताती है जाओ क्लैन का एंसेस्टर और गु क्लैन के बीच में काफी ज्यादा अच्छा रिश्ता था इसीलिए जब जाओ क्लैन का ये हालत हुआ तो और इसीलिए जब जाओ क्लैन का एंसेस्टर मरने वाला था तो उसके साथ हमारा एक समझौता हुआ था मतलब गु क्लैन का एक समझौता हुआ था कि वो लोग मतलब गु क्लैन के लोग जाओ परिवार पर कभी भी हमला नहीं करेंगे और जाओ क्लैन का देखभाल भी वही करेंगे। बट भले गु क्लैन ने जाओ क्लैन के जितने भी लोग थे उन लोगों को समेटने की कोशिश किया था बट जैसे ही जाओ क्लैन के एंसेस्टर का ये बुरा हाल हुआ तो बाकी लोग भी मजबूरन ये सेंट्रल प्लेन छोड़ना पड़ा और वो लोग जाके मिस्टिक क्लाउड सेक में छुप गया जे मैम्पायर में। और मेरे को भी इसलिए जाओ क्लैन भेजा गया था कि मेरा जो बचपन है वो शांति से गुजरे। जिसके बाद जवान यहाँ पे ये सब कुछ अपनी क्लैन के बारे में सुनने के बाद वो यूनर से पूछने लगता है कि क्या था मेरे एंसेस्टर का नाम। जिसके बाद यूनर बोलती है जाओ जवान और भाई उसी के पीछे जाओ जवान का फेस भाई क्या तगड़ा दिखाया जाता है। जिसके बाद जवान बोलता है ये नाम ही काफी भारी है इसी नाम से ये पता चल जाता है कि वो जाओ क्लैन का एंसेस्टर है। तभी उन लोगों को कुछ हलचल महसूस होता है जिससे भाई वो दोनों ही अलर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो दो एल्डर को दिखाया जाता है जो कि भाई झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोनों क्या ही कर रहे हैं दोनों ही यंग है भाई कुछ अनाप शनाप हो गया तो भाई इनकी गु क्लैन में पिटाई हो जाएगी। जिसके बाद यूनर आ जाती है और उन दोनों से पूछने लगते है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। जिसके बाद हमें फानिसा एक सीन दिखाया जाता है जिसकी मुझे जरूरत नहीं और वो दोनों कुछ नहीं बोल सकता था तो भागते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें जैवन को दिखाया जाता है जो कि अभी काफी ज्यादा सोचने में लगा हुआ था और वो यहाँ पे मास्टर यावला की बात को याद करने लगता है कि मास्टर यावला ने बोला था इस दुनिया में उसी का राज चलता है जिसके पास ताकत होगा। एंड सीधी बात बोलो तो यही बीटी थी का मेन थीम है। वो सोचता है कि फैमिली हो या जो भी हो अगर इन चीज को अच्छे से संभाल के रखने की कोशिश किया जाए तो उसके लिए फिलहाल ताकत की जरूरत होता है। जिसके बाद फिर से वो सोचता है मास्टर आप एकदम सही थे। जिसके बाद जैवन सोचता है कि वो अपने डेमन पॉइजन स्पोर्ट को रिफाइन कर दे जिसके बाद वो शायद अपना स्टार ब्रेक थ्रू भी कर सके। एंड वैसे यहाँ पे बताया और दिखाया भी नहीं गया है बट मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जैवन अभी के लिए है 2-star Daozong और वो जो डेमन पॉइजन स्पोर्ट है ना उसे रिफाइन करके 3-star Daozong पर ब्रेक थ्रू कर लेगा और भाई 4-star में पहुंचने के लिए थोड़ा सा ही बाकी रहेगा। जिसके बाद जैवन यहाँ पे कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट को भी बिना रिफाइन किए एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके बाद वो 4-star Daozong बन जाता है। जिसके बाद वो अपना रिफाइनरी शुरू करता है पॉइजन स्पॉट का और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें लिटिल फेरे डॉक्टर और यूनर की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए कुछ खेल रहा है भाई इस गेंद का नाम मेरे को नहीं पता किसी को पता है तो कमेंट कर देना। जिसके बाद यूनर यहाँ पे बोलती है कि जवान जब डिमैम्पायर से यूनर एकेडमी जब लौट के आया था तो उसने काफी ज्यादा जिक्र किया था तुम्हारी उसने कहा कि तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। जिसके बाद पॉइजन गर्ल बोलती है हाँ वो भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जिसके बाद यहाँ पे यूनर बोलती है कि मैं बहुत ही जल्द अपनी क्लैन लौटने वाली हूँ प्लीज उनका ख्याल रखियो। यूनर जब यहाँ पे पॉइजन गर्ल से रिक्वेस्ट करती है कि वो जवान की देखभाल करे इवन उसको प्रोटेक्ट करे तो यहाँ पे पॉइजन गर्ल बोलती है चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए पर जब तक जान में जान है तब तक मैं जवान को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी उन लोगों को वहाँ पे कुछ महसूस होता है कुछ पावरफुल ऑरा महसूस होता है। जिसके बाद पॉइजन गर्ल बोलती है क्या ये आइसरर वैली है या होल ऑफ सोल। जिसके बाद यूनर यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और बोलता है नहीं ये तो गु क्लैन के बंदे हैं। जिसके बाद हमें मैजिकल बीस्ट में बैठे हुए कुछ लिंक वन के साथ कुछ साथी को भी दिखाया जाता है जिसके आगे वो दो एल्डर आ जाता है दाउजुन वाला और पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो जो लिंक वन है वो पटाख से अपनी मैजिकल बीस्ट से उतर जाता है और ग्रीट करते हुए बोलता है कि गु क्लैन में प्रिंस को लेकर एल्डर लोग काफी ज्यादा चिंतित है इसलिए मुझे उसे सुरक्षित गु क्लैन लाने के लिए भेजा गया है। जिसके बाद एक एल्डर बोलता है क्या हम लोग लपूसा है जो हम प्रिंसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद वो दूसरा एल्डर बोलता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम एक 4-star Daozong प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर लोगे जो कि हम नहीं कर सकते। जिसके बाद ये लिंक वन ग्रेट करते हुए एल्डर्स को बोलता है एल्डर अब तो काफी अच्छे मजाक कर लेते हो क्योंकि मैं ऐसा कैसे कर सकते हूं वो तो एल्डर्स लोगों का ऑर्डर मानते हुए मैं यहां पे आया हूं मैं उसे कैसे इनकार कर सकता हूं। जिसके बाद वहां पे गु यूनर आ जाती है और वो यहां पे बोलती है कि 2 days और वेट करो उसके बाद हम लोग जाएंगे। जिसे देखते हुए लिंक वन और उसके साथ जितने भी लोग आए हैं सब लोग उसे ग्रीट करते हुए मिस बोल के और ग्रीट करते हुए ये बोलता है कि मिस आई एम रियली सॉरी बट हमें ये कहा गया है कि हम लोग जल्दी से जल्दी मिस यूनर को घर ले जाए और उसके साथ हमें ये भी बोला गया कि वो जाओ क्लैन का लड़का भी यहां है तो क्या आप उसे हमें मिला सकते हो। जिसके बाद यूनर गुस्सा हो जाती है और बोलती है लिंक वन इसका क्या मतलब। जिसके बाद लिंक वन बोलता है मिस अगर मैं सच कहूं तो हमें ये भी ऑर्डर दिया गया है कि हमें अगर किसी जाओ क्लैन का मेंबर मिले तो हमें वो गु क्लैन ले जाना पड़ेगा एल्डर के पास। जिसके बाद यूनर गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेती है लिंक वन तुम दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही साहसी होते जा रहे हो। इसके बाद यहाँ पे यूनर गुस्सा
गुस्सा हो जाती है और ये जो दो एल्डर्स थे उनको ऑर्डर देते कि वो लोग लिंक वन को यही पे दबोच ले। जिसके बाद जैसे ये दोनों एल्डर आगे बढ़ता है वो लिंक वन जो होता है वो ब्लड जेड टोकन वहाँ पे निकाल लेता है, जिसे देखते हुए ये लोग झुक जाता है क्योंकि वो एक ऐसा जेड है जिसको ये इग्नोर नहीं कर सकते। जिसे देखते हुए यहाँ पे यूनर भी सीरियस हो जाती है और जो लिंक वन होता है वो बोलता है कि मिस हमें माफ करे बट ये सब एल्डर्स के ऑर्डर है जो कि हमें मानना ही पड़ेगा। जिसके बाद यूनर बोलती है हाँ मैंने तो ये बात नोटिस कर लिया है। जिसके बाद जयन चिल्लाते हुए बोलता है अरे तभी तो मैं सोचूं ये कौन सा जीव है जो इतना हल्ला मचा रहा है, बट सब्बास ये तो लिंक वन निकला। और वो काफी ज्यादा भयानक एंट्री मारता है यूनर के पास। फिलहाल ये तो बैड न्यूज है। जिसके बाद वो बंदा जयन को देखते हुए बोलते हैं फोर स्टार दाओजोंग। खैर मैंने सोचा नहीं था कि एक जाओ क्लैन का एक दाओजोंग मिलेगा। हाँ ये कौन बता सकता है क्योंकि पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो हमारी पावर में बहुत ही डिफरेंस था, बट अभी 2 साल बाद देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है, शायद ये बताना मुश्किल भी होगा। जिसके बाद वो बंदा बोलता है खैर जो भी हो बट मेरे नजर में तुम अभी भी एक स्टार कम ही हो। तभी जवान बोलता है बट मेरे नजर में तो तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और वो जवान के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे भाई काफी एक भयानक फाइट देखने को मिलता है। बट फाइट स्टार होता उससे पहले ही यहाँ पे पॉइजन गर्ल आ जाती है और बोलती है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी वही आखिरी कदम होगी। इसके बाद वो बंदा हंसता है और बोलता है कि खैर तुम आज भी उसी वुमेन के पीछे छुपने लगे हो। जवान तुम कब अपने आप पे भरोसा करने सीखोगे क्योंकि तुम्हारी एंसेस्टर लोगों ने बोला था कि अगर मौत से भागता रहूंगा तो मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगा। जिसके बाद जवान यहाँ पे 3 डायलॉग बोलता है कि पहला तुम जिस नाम से इतना उछल रहे हो अगर तुम्हारी गुकलैन को साइड में रख दिया जाए तुम हो ही क्या चीज। जिसे वो बंदा गुस्सा हो जाता और कुछ बोलने वाला था तभी बोलता है दूसरा कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम जब एंसेस्टर के बारे में इतना बोल सकते हो, और वो ही तीसरी बात तुम्हें मानने के लिए मुझे किसी का भी जरूरत नहीं है। एंड वैसे यहाँ पे डायलॉग तो पॉइजन गर्ल की थी बट यहाँ पे यूनर बोलती है कि जवान तुम्हें जैसे ही सबक सिखाना है सिखाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो मैं संभाल लूंगी। तभी जवान अपनी मुष्टी को कस के पकड़ लेता है और बोलता है लिंक वन तुम अकेले लड़ना चाहते हो या साथ में किसी को लेना चाहते हो। जिसके बाद लिंक वन गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरे सामने इतना घमंड मत दिखाओ और अपनी भाला निकाल के जवान के ऊपर हमला कर देता है। बट तभी जवान गायब हो जाता है और इनके बीच दे दनादन लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा अपनी दाव स्किल यूज करके जवान पर हमला करता है बट जावियान अपनी बिना दाव स्किल यूज किए, वैसे भाई 3000 स्किल तो यूज करता है, और भाई काफी ज्यादा भयानक फाइट दिखाया जाता है। तभी वो बंदा अपने भाले से जान के ऊपर हमला करता है, वहाँ पे स्पेस भी क्रैक हो जाता है, बट जावियान अपनी 2 उंगली से उसकी भाला रोक देता और उसे बोलता है कि इन सब चीजों से मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और अपनी 2 ही उंगली से उसकी भाला तोड़ देता है। जिसके बाद वो बंदा यहाँ पे फ्लेम स्पीड सुनामी यूज करता है, बट उससे मतलब वो उसे यूज कर पाता उससे पहले जावियान पीछे आ जाता है और उसे एक मुक्का जड़ देता है और दे दनादन 2 बार फेल देता है और भाई एकदम से फेंक के मारता है क्योंकि जावियान यहाँ पे यूज कर चुका होता है अपना 3 मिस्टेक चेंजेस का फर्स्ट चेंज। जिसके बाद जयन बोलता है मैंने जो सोचा था तुम उससे भी काफी ज्यादा वीक निकले जो कि एक सील को भी अच्छे से नहीं बना पाए। जिसके बाद लिंक वन का साथी बोलता है अरे उसने जिसको कचड़ा बोला तो उसी ने उसे कचड़े की तरह धो डाला। जिसके बाद वो जो एल्डर आए थे वो जयन की तारीफ करने लगता है। जिसके बाद लिंक वन यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ट्रांसफॉर्मिंग ब्लड सील। जिसे देखते हुए ये जो 2 एल्डर्स था वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है कि ये लड़का सच में पागल हो गया है जो गुकलैन की सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रहा है इतना भयानक। बट यहाँ पे यूनर उन दोनों को बोलता है हां बट रिलैक्स करो जयन इसे संभाल लेगा। बट इतना ज्यादा पावर के बाद भी जयन को फर्क ही नहीं पड़ता और बोलता है हाँ हाँ दाव स्किल तो काफी अच्छा है बट तुम इसे अच्छे से यूज नहीं कर पाते हो, एकदम से बेकार कर दिया पूरे दाव स्किल को तुमने, तुम तो अभी तक मैं जितना सोच रहा था उसका आधा भी नहीं निकले। जिससे वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से अपना भाला निकालते है और भाई असली फाइट तो अभी शुरू हो जाता है दे दनादन। बट लिंक वन को कौन ही समझाए कि जवान एक 8-9 स्टार दाओजोंग से लड़ने वाला बंदा है, 5 स्टार से उसे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जिसके बाद जवान यहाँ पे अपना धोबी पछाड़ स्टार्ट करता है, जिसके बाद वहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से लिंक वन को पीटता है। उसके बाद जवान यहाँ पे एक लात जड़ देता है जिससे वो पीछे खिसकता हुआ जाता है और वो गुस्से से यहाँ पे सी फ्लिपिंग शील्ड बनाता है, बट वो इस शील्ड को बना पाता उससे पहले जवान उसे धोबी पछाड़ के ऐसा फेंक के मारता है जो एक पिलर पे जाके टकराता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जिसके बाद जवान फिर से उसे स्पेशल पावर से पास खींच लेता है, उसके बाद उसे बोलने लगा अगर मैं एक जावक्लैन का कचड़ा हूँ तो फिर तुम्हें क्या ही बोलूं बोल के फेंक देता है। ये देखते हुए उसके साथ आए हुए 2 साथी जाता है और बोलता है लीडर। जिसके बाद वो 2 एल्डर भी जवान की तारीफ करता है और यहाँ पे जवान यूनर को देखता है और यूनर भी देखने लगती है जवान की तरफ टुकुर टुकुर। जिसके बाद यूनर अपनी सर नीचे कर लेती है, यूनर बोलती है जवान गक्का मैं जा रही हूँ। जवान बोलता है मैं अपनी मास्टर को बचाने के बाद मैं जरूर से तुम्हें मिलना आऊंगा, तुम मेरे लिए वेट करना। इसके बाद यूनर यहाँ पे बोलती है जवान गक्का ख्याल रखना अपना। जिसके बाद वो अपने 2 एल्डर्स की तरफ देखती है और बोलती है चलो हम अभी चले, और भाई वहाँ पे देखते देखते वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और इसी इमोशनल स्टोरी के साथ ये एपिसोड यही पे खत्म हो जाता है। फिलहाल आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई जो कुछ भी सीन कट हुआ है उसकी क्या उसके ऊपर मैं एक नोवेल वीडियो बनाऊं, जो कि भाई मेरे को भी थोड़ा बहुत बुरा लगा यार कुछ नहीं देखने को। वैसे साथ ही साथ ये भी कमेंट करना क्या इसके अगले एपिसोड जो है उसका नोवेल आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए या तो बस ऑफिशियल एपिसोड को ही एक्सप्लेन करूं। यार भाई यार बुरा मत मानना, ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन है तो भाई थोड़ा आगे पीछे हो भी सकता है क्योंकि स्टूडियो ने अलग ही भाई दिमाग का दही किया। और भाई यहाँ पे अगर मैं नोवेल के हिसाब से एक्सप्लेन करूं तो भाई वो नोवेल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ना कि ऑफिशियल एपिसोड एक्सप्लेन। सो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, बुरा लगा अच्छा लगा जो भी है भाई अच्छे
अच्छे से बोलना, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी अच्छे से बोल देना भाई, कुछ गलत मत बोलना, बस इतना ही चाहता हूँ। तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।